हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूनिक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको तोते की डिज़ाइन गिलास के ऊपर बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पार्टी का ऑर्डर है, उसको मैं सेम ड्राइंग और कटिंग वर्क आपको दिखाऊंगा करके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप प्लेन गिलास को लेना है, उसके ऊपर स्टिकर चढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, स्टिकर चढ़ाने के बाद ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को छोड़ कर ना जाए, लास्ट तक बने रहें। ठीक है, इसमें मैं आपको एसिड वर्क कर दिखाऊंगा, तोते का डिज़ाइन एसिड वर्क में आएगा। ठीक है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों ये देखना, ये है फ़ोटोज़, ये पार्टी ने पसंद किया है, इसी फ़ोटोज़ को बनाना है। ठीक है दोस्तों, इसी फ़ोटोज़ को सेम बनाना है, ऑर्डर का गिलास है। तो अब किस तरीके से तोते का डिज़ाइन बनाएंगे, किस तरीके से पूरा वर्क करेंगे वो लास्ट तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, पहले ड्राइंग करेंगे। ठीक है, ये तोते का डिज़ाइन सेम बनाना है हमको, सेम पहले ड्राइंग करना है, पूरे गिलास के ऊपर ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप भी अगर एसिड वर्क करना चाहते हैं और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तोते की, तो आप भी बना सकते हैं हमारी वीडियो को देखकर। ठीक है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, आप पूरा एसिड वर्क की सीख जाएंगे करना। ठीक है, इस तरीके से पूरा ड्राइंग का करना है, पायलट ड्राइंग बनानी है पहले, इस तरीके की तोते की ड्राइंग करना है पूरे पे। फर्स्ट पहले ड्राइंग करना होती है गिलास के ऊपर, लास्ट में देखिए आप कितना खूबसूरत ये पीस बने। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो इस तरीके से ड्राइंग करना है, ये पत्ते का लीफ है, इस तरीके से अपना ड्राइंग हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा ड्राइंग हो गया। अब इसके ऊपर कटिंग करेंगे डिवाइडर, जो हमारे हाथ में आप डिवाइडर देख रहे हैं, ये डिवाइडर कटिंग है, तो इसको डिवाइडर कटिंग करेंगे पूरे में। ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ पर डिवाइडर कटिंग है वो पूरा डिवाइडर करेंगे। ठीक है, हमारे गिलास डिजाइन वर्क चैनल का नाम है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये देखिए, अब ये डिवाइडर कटिंग हो रहा है पूरा, एसिड का हमेशा डिवाइडर कटिंग ही होता है। ठीक है दोस्तों, डिवाइडर ही होता है, डिवाइडर की जगह पे चार चार कटिंग होता है डिवाइडर का एक बार में, ये डबल कटिंग है। ठीक है, ये देखिए, ये पत्ता है, उसका कटिंग करेंगे। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, अगर वीडियो को स्किप ना करें तो। शुरुआत भले ना अच्छी हो, लास्ट का बहुत अच्छा मिलेगा, लास्ट में बीच में आके ये वीडियो ज़्यादा खूबसूरत बनता है। वीडियो अगर पसंद है तो कमेंट ज़रूर करें कैसा है वीडियो। ठीक है, ये डिवाइडर कटिंग हो गया है पूरा, हम बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो में बताते हैं ताकि पूरा वर्क करना आप भी सीखें। ठीक है, ये अब उसके बाद में कटिंग होने के बाद जो ब्लैक जापान मारना है, ब्लैक ब्लैक पूरे गिलास के ऊपर, ताकि जो दूसरी जगह कटिंग हो तो उसमें लीक ना हो जाए, यानी एसिड ना लीक हो जाए। ठीक है, अब उसमें जो बैकग्राउंड निकालना है वो बैकग्राउंड निकालना है जिसमें टेक्चर करना है, टेक्चर। ओके, ये पूरा टेक्चर करेंगे,
निकल गया पूरा बैकग्राउंड, ये भी थोड़ा बाकी है इधर कोने पे। तो इस तरीके से पूरा बैकग्राउंड निकाल लेना है जहाँ जहाँ पर अपना टेक्सचर एसिड होगा। अब इसमें मारना है अपना टेक्सचर, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड क्लीन है। डिजाइन छोड़नी है ताकि बाद में इसमें भी एसिड डीप हो सके, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से टेक्सचर मारना है ब्लैक जापान से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से पूरा टेक्सचर मारना है। आप लोगों का टाइम ना लेते हुए थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देंगे ताकि पूरी वीडियो जल्दी से आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ये देखिए पूरा अपना ये टेक्सचर एसिड, यानी इसमें टेक्सचर लग रहा है पूरा। गिलास पे फुल टेक्सचर मारना है, उसके बाद जो रह जाता है डिजाइन निकालनी है ताकि इसमें एसिड करना है, यानी डीप करना है, ठीक है। डीप करेंगे तो आसानी हो जाएगी कटिंग निकालने में, कटिंग करने में आसानी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अब जो अंदर की डिज़ाइन रह गई है वो पूरी निकाल लेनी है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसमें डीप होगी ताकि कलर के लिए डीप होगी, कटिंग भी होगी, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। देखिए दोस्तों अभी देखते अभी कितना बदलाव आ चुका है डिज़ाइन में, ठीक है। इस तरीके से पूरी डिज़ाइन निकालनी है, ठीक है दोस्तों। जैसा तोते का कलर होता है वो कलर नहीं लगेगा इसमें, जो ऑर्डर है पार्टी का ऑर्डर है, इसलिए उसी के हिसाब से हम कलर मारेंगे। तोते का कलर अलग होता है, वो कलर नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये मत कहना कि कैसा ये कलर है, तोते का कलर ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो पार्टी का ऑर्डर है तो हमें सेम ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरीके से मोम लगाना है चारों साइड बॉर्डर पे। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो हैं उनका हम एसिड वाला जो वर्क है ना, ये इस तरीके का और भी वीडियो बहुत सी हैं जिसमें एसिड वर्क है। इसमें अगर डाउट हो तो दूसरी वीडियो देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से एसिड डाल लिया है, हर बार की तरह एसिड वही तरीके से डरता है, ठीक है दोस्तों। चाहे काम कैसा भी हो वही तरीके से होता है, ठीक है। अब गिलास धुलने का मैंने उसमें जो गिलास धोते हैं उसका मैंने वीडियो नहीं डाला है, मगर आपको अगर वो वीडियो देखनी है कि गिलास धुलता भी कैसे है, वो भाग मैंने काट दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उसमें जाकर वो वीडियो देख लेना कि किस तरीके से गिलास धोते हैं, मतलब वो मैंने भाग काट दिया है, ठीक है। अब जब पूरा टेक्सचर एसिड हो गया है उसके बाद में स्टिकर लगाना है पूरे गिलास के ऊपर। अब जो होगा कलर की कटिंग होगा, ठीक है दोस्तों। काम वर्क कोई सा भी हो याद रखना वर्क एसिड वही डलता है हर बार की तरह, एक सेम वही प्रोसेस होता है बस, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अब कटिंग करनी है कलर की, पूरे गिलास पे कलर की कटिंग करनी है। यह पायरेट की अब कटिंग करेंगे धीरे से अच्छे से। देखा दोस्तों डीप कर रही है तो कितनी आसानी से कटिंग हो रही है ना। तो यही है, अब इसमें पूरी कटिंग करनी है जहाँ जहाँ पर कलर के लिए। समझ रहे दोस्तों, इस तरीके से भी पूरी कटिंग करनी है ताकि उसके काम उसके बाद में क्या होना है वो भी बता दूंगा मैं। हम अपना कोई भी बेइज्जती वीडियो नहीं बनाते हैं जिसमें आपको झूठ लगे। मेरी हर वीडियो में नई ट्रिक होती है और नया तरीका होता है, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं बिल्कुल ओरिजिनल बनाते हैं, खुद हम बनाते हैं,
इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब ये कटिंग हो गया है, अब हम इसमें मारेंगे कलर। ठीक है दोस्तों, इसमें कलर मारेंगे इस तरीके से, पहले इसमें मारेंगे ब्लैक कलर। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले ब्लैक कलर लगेगा। ठीक है, इसकी आईज में यानी आंखों में ब्लैक कलर। तो दोस्तों ये अपना होगा ब्राउन कलर, डंडियों में पेड़ की डुंगालों पे ब्लैक कलर हो चुका है। इस तरीके से अपना पूरा ब्राउन मारना है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी सेम फ़ोटो है वो फ़ोटो का कलर है सेम, ये आप लास्ट में देखिएगा किस तरीके से है बना, उससे बेहतरीन ही बनेगा जो फ़ोटो में है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट ज़रूर करें, उससे थोड़ा हौसला मिलता है कि वीडियो में खुशी होती है कि इतनी मेहनत के बाद किसी ने कुछ तारीफ़ करी है तो खुशी होती है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में ज़रूर कमेंट करें। ये अपना पूरा डुंगाल पर जिस पर तोता बैठा हुआ है उस पर पूरी ब्राउन कलर मारना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था ये वो कलर नहीं है जो अपना तोते में कलर होता है, ये वो कलर नहीं है, ये थोड़ा अलग है, फ़ोटो के हिसाब से लगेगा, पार्टी के हिसाब से। ये अपना होगा ग्रीन कलर पोरेट के ऊपर। अब जितना पत्ता लीफ है ये सारा पत्ता पत्ता भी ग्रीन कलर मारेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, इस तरीके से पूरा पत्ता भी मारना है, जितना ग्रीन है ये डार्क ग्रीन मारना है सारा पत्तों पर फोटो के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए ये पूरा अपना ग्रीन ग्रीन है, इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा है तो इसमें कलर इतना नहीं है जितना दूसरा काम ज़्यादा है, मगर कलर कम है, ग्रीन हो गया बस, ब्राउन ब्लैक, बाकी एक ऑरेंज कलर लगेगा बस हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए कैसा ये बना पीस, लास्ट का वीडियो देख के बताइए कैसा बना। ये देखिए ये अपना ऑरेंज कलर लगा है, वैसे होता नहीं है ऑरेंज कलर, मगर फ़ोटो के हिसाब से ऑरेंज ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बनाना है। तो ये अपना ऑरेंज कलर हो गया है इसमें, ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से पूरा इसमें कलर ऑरेंज हो जाएगा, उसकी जो पूंछ रह जाएगी उसमें भी ऑरेंज ही है। ठीक है, अब जो भी लास्ट कलर है ये इसके बाद में एक कलर और लगेगा येलो कलर डंडियों पे उसकी डुंगाल के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपना ऑरेंज कलर हो गया है सब में, ओके। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हो गए। ये हो गया ऑरेंज कलर पूरा ग्लास के ऊपर, ये अपना आ गया है येलो कलर, जहाँ जहाँ पर है ग्रीन पत्ते पर डुंगाल पर लकड़ी उसकी जहाँ जहाँ पर है टोटल येलो कलर मानना है, लास्ट कलर यही होता है। ठीक है, लास्ट कलर यही है। ठीक है दोस्तों,
अब अपना येलो हो गया है, उसके बाद में अब हम मारेंगे वाइट पेंट। लैकर भी मार सकते हैं मगर वाइट पेंट मारेंगे, वाइट पेंट मारने से ज़्यादा शाइनिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना वाइट पेंट भी लग रहा है इसमें। अब ये अपना पीस रेडी हो चुका है, बस आपको मैं क्लीन कर कर दिखाऊँगा और बताइए कैसा है कमेंट में। फ़ोटो से लाख गुना अच्छा बना हुआ है पीस, इतना वीडियो में नहीं दिखता जितना सामने से रियल में दिखता है अच्छा, उतना वीडियो में फ़ोटो में नहीं आता है। ठीक है, ये अपना वाइट हो गया पेंट पूरे गिलास पे। अब अपना ये आपको मैं क्लीन करके भी दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है। सामने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ये, फ़ोटो में वीडियो में इतना ख़ास नहीं दिखता है जितना सामने से दिखता है लाइव। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये अपना वाइट पेंट हो गया है। अब मैं थोड़ा अभी आपको ऐसे डेमो दिखा दूंगा उठाकर, ये देख।